जय माता दी। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का पूर्व आरंभ होगा। इस साल नवरात्रि 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि तिथि 21 अप्रैल को होगी। ऐसे में इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। पंचांग के अनुसार कोई तिथि 6 नहीं होगी। आइए जानेंगे कलश स्थापना से लेकर माँ के सभी स्वरूपों की पूजा विधि, व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, अन्य जानकारियाँ। इस बार अश्व पर सवार होकर आएंगी माता रानी। अश्व यानी कि घोड़ा नवरात्रि में माँ का वाहन विशेष महत्व रखता है। मेदिनी ज्योतिष में माँ के वाहन से सुख समृद्धि का पता चलता है। अश्व की सवारी का अर्थ होता है प्राकृतिक आपदाएं, सत्ता में उथल पुथल जैसे कि विपदा आ सकती है। वहीं माँ की विदाई नर वाहन पर होगी। नवरात्र के पर्व पर माँ की आराधना से व्रत उपवास से पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ के आदिशक्ति की उपासना करने से हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है, जिसमें माँ आदिशक्ति की उपासना की जाती है। माँ के भक्त चैत्र नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं, व्रत रखकर उनका पूजन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक चलती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सामान्य मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:43 से 8:44 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11 से 12:24 तक और गुली व अमृत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:50 से 1:25 तक का। मां की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आप सुबह 9 से लेकर 1:25 तक कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ़ सुथरे कपड़े धारण करें, वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता के मंदिर को अच्छी तरह से स्वच्छ करें, साफ़ करें। एक लकड़ी की चौकी रखें, पाटा मतलब कि इस पाटे के ऊपर लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर चावल रखकर मिट्टी के बर्तन में जौ बो दें। इसी बर्तन से ऊपर जल का कलश भरकर कलश की स्थापना करें। इस प्रकार कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलावा बांध दें। कलश में सुपारी, सिक्का और अक्षत अवश्य रखें और कलश पर अशोक के पत्तों को जरूर स्थापित करें। साथ ही एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा बांध दें। फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें और दीप जलाकर कलश की स्थापना करें, कलश का पूजन करें। माँ के 9 रूप में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और अलग अलग देवियों को अलग अलग तरीके का भोग लगाया जाता है। तो मैंने अलग अलग दिन की माताओं के अलग अलग 9 रूपों की पूजा और उनका भोग मैंने अलग से डाला हुआ है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरी, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। पूरे नवरात्रि में जो व्यक्ति माँ के सभी स्वरूपों का विधि पूर्वक पूजा करता है उनके जीवन में कष्ट समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख शांति व धन वैभव की तरक्की बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। नवरात्रि की पूरी पूजा सामग्री भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर और पूजा की सारी विधि भी डाल रखी है। कलश स्थापना किस प्रकार करते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो प्लेलिस्ट भी मैंने अलग अलग बना रखी हैं और भी कई वीडियो नवरात्रि से जुड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों।